मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एसपीपीएस। इन दिस वीडियो फॉर 10th क्लास इन इंग्लिश, टुडे आई विल टीच यू लेसन नंबर 9, मिड विल द वाटर। टुडे आई विल टीच यू द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। देखिए, द ऑथर हुज नेम इज मैक्स बेल हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता होता है। इट डाइड, मर जाता है। ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट, इसके बाद दूसरा पालतू जानवर लेने का निश्चय करता है। इन अर्ली 1956 ही ट्रेवल टू साउथर्न इराक, उसने यात्रा की। देयर इट केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आया टू हैव एन ऑटर एट अ पेट, कि वह पॉटर को एक पालतू जानवर के रूप में रखेगा। ही काजुअली मेंशन दिस, उसने अकस्मात को उल्लेख किया टू अ फ्रेंड, एक दोस्त से। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद में, व्हेन ही रिटर्न टू हिज बेडरूम, जब बेडरूम में लौटा, ही फाउंड टू अरब, उसने दो अरब पाए विथ नोट्स, एक नोट लिया होता फ्रॉम हिज फ्रेंड से। इन अ सैक, एक अलवारी में, देयर वाज एन ऑर्डर था विच हिज फ्रेंड हैड अरेंज, उसका दोस्त अरेंज कर चुका था फॉर उसके टू कीप, रखने के लिए एज पैट के ऊपर। इट रिसेम्बल्स अ वेरी स्मॉल मेडिकल कैसी फील ड्रैगन जैसा लगता था। फ्रॉम द हेड टू टेल, सर से लेकर पूंछ तक, इट वाज कोटेड विथ मट आर्मर से कोट था, पड़ती थी। इट टुक ऑथर नियरली ए मंथ, इसमें ऑथर को लगभग एक महीना लग जाता है टू बी एबल टू रिमूव द मट, उस कीचड़ को हटाने के लिए। हाँ, दैट कवर हिज बॉडी, जिसके बॉडी को ढके हुए था। एंड सी इज टू कलर, उसका सही रंग देखने के लिए। ही चेरिश्ड दिस मिजबिल, उसने इसका नाम लिखकर क्रिश्चियन मिजबिल रखा। मिजबिल वाज ऑफ ए रियल प्रीशियस अननोन टू साइंस, मतलब वो पहले साइंस के लिए अज्ञात था। एंड वाज चेरिश्ड बाय द जूलॉजिस्ट एट लोट्रोगल पेरसिपेल्टा मैक्सबेल, और इन नॉर्मल लैंग्वेज मैक्सबेल सोटर्स को कहा गया था। फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन, मिजबिल वाज अलग रहता था, इंडिफरेंट था, अभिन्न था। एंड ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, के ऊपर सोचता था, फार अवे, बहुत दूर दूर सोचता फ्रॉम ऑथर्स बेड से। बट ऑन द सेकेंड नाइट, लेकिन दूसरी रात, इट एंटर्ड हिज बेड, उसके बेड में घुस गया। एंड स्लेप्ट, सो गया, इन द क्रूक्स ऑफ हिज नी। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, उसने एक इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया इन इट्स सराउंडिंग, अपने वातावरण में। When it was taken to the bedroom, जब इसे बाथरूम ले जाया गया था, ही प्लंग हुए, उछलता था, रोल ऑन द वाटर विथ जॉय, और पानी के ऊपर खुशी से लुढ़कता था। आफ्टर टू डेज, दो दिनों के बाद में, इट वॉज फाउंड, यह पाया गया, इसको बाथरूम में पाया गया था। द ऑथर वॉज सरप्राइज, लेखक आश्चर्य रह गया था, टू सी, देख कर इस संघर्ष कर रहा था विद द वाटर ट्रैप के साथ में। He also managed to open it. उसने उस वाटर टैप को खोलने का प्रबंध किया। Mitch, IG came to be called, जिसे कहा जाता था। Used to spend, जो बताया करता था, most of his time, अपना अपकान समय playing with the rubber ball and marbles, एक रबर की गेंद और कंचों के साथ खेलने में। The author's time passed peacefully. ऑथर का समय शांतिपूर्वक गुजरा इन बसरा में। But then, लेकिन तब, he had to shift, उसे shift होना पड़ा था to कैम्यूसपेरनिया इन इंग्लैंड में। ही अप्रोच द ब्रिटिश एयरलाइन, वह ब्रिटिश एयरलाइन के पास पहुंचा फॉर टेकिंग ऑर्डर ले जाने के लिए विथ हिम अपने साथ। बट इट रिफ्यूज्ड, लेकिन इसने इनकार कर दिया। सो इसलिए, ही बुक्ड ए फ्लाइट, उसने फ्लाइट बुक की टू पेरिस के लिए ऑन अनदर एयरलाइन पर। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन आ गया। द एयरलाइन इंसिस्टेड, उसने आग्रह किया दैट की मिजबिल शुड बी पैक इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में पैक करना चाहिए, नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर, जो 18 इंच स्क्वायर का ना हो। द ऑथर हैड द बॉक्स मेड, उस लेखक ने उस बक्से को बनवाया। एंड बिफोर एन आवर, एक घंटे से पहले, ही हैड टू स्टार्ट, उसे स्टार्ट होने से पहले, ही पुट मिज, उसने मिज को रखा इन टू द बॉक्स एंड बैंड फॉर हिज मील, अपने भोजन करने के लिए चला गया। When the author returned, जब लेखक लौट के आया फ्रॉम हिज मील से, ही देर वाज साइलेंस, वहाँ शांति थी, फ्रॉम द बॉक्स, बक्से से। बट ही नोटिस, लेकिन ध्यान दिया, ब्लड, खून को, द ईयर होल्स एंड द चिंग, जो दरारें थी अराउंड द लिड, ढक्कन के चारों तरफ आ रहा था। ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला एंड फाउंड मिज, मिज को पाया, उसको थका हुआ, ब्लड स्टेन और खून से लिसा हुआ था। इट पिंपर्ड एंड काउच इट लैग, उसकी टांग पकड़ लिया। द टाइम वाज वेरी शॉर्ट, समय बहुत कम था।
It was just a minute, 50 minutes until the time of the flight था. And the airport was 5 miles. Airport 5 miles दूर था, तो he again put me. उसने दोबारा मुझको रखा into the box में and held the lid with his hand. अपने उस ढक्कन को अपने हाथों से पकड़ा. He hired a car. उसने कार हायर की that ran like a bullet, जो गोली जैसी चलती थी from the streets to Bursar. एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग, एयरक्राफ्ट इंतजार कर रहा था फोर्थ आर्थर के लिए एंड ही वाज रश थ्रू वाज दौड़ कर गया. लकीली स्ट्रीट वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, भाग से उसकी सीट सामने वाले फ्रंट में थी. ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड हिज शूज, उसने ढका फ्लोर अपने पैरों से विथ न्यूज़पेपर. रैंग फॉर द एयर होस्टर के लिए बुलाया एंड गेव ए हर पार्सल ऑफ हिज, और अपने मछली का पार्सल दिया फॉर मिस्के टू कीप एट अ कूल प्लेस, ठंडे स्थान रखने के लिए. ही आल्सो टोल्ड हर, उसने उसको बताया अबाउट द कंडीशन ऑफ द मिस बोर्ड. द एयर होस्टेस सरकना सजेस्टेड, सुझाव दिया दैट कि यू शुड कीप मिस ऑन ए न्यूज, अपने घुटनों रखना चाहिए. एट द ऑथर ब्राउट हिम आउट, जैसे ही लेखक उसे बाहर निकाला ही डिसअपीयर, जो मिस था वो गायब हो गया. एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, नीचे देर वॉज ए स्क्वेस्ट एंड स्विक्स थी. वन लेडी स्क्रीम आउट, एक महिला चिल्ला उठी ए रैट चुआ चुआ. द ऑथर ट्राइड फॉर इट, लेखक ने उसे तलाशा बट लैंडेड इन करी में गिर गया. द एयर होस्टेड एश्योर्ड मिस वर्थ लाया दैट कि शी शुड फाइंड मिस को पाना चाहे हैंड ओवर टू हिम. सून द ऑथर वाज बैक टू हिज नीड में आ गया था. द ऑथर रिमेंड इन लंदन फॉर अ मंथ, लेखक लंदन में एक महीने तक रहा था. देयर वहाँ पर द ऑर्डर बोर्ड प्ले फॉर आवर्स, ऑर्डर था वो घंटों तक खेला करता था. विद जॉय रबर फ्रूट्स एंड टैफिन सेल, द ऑथर इवन टुक इट फॉर एक्सरसाइज के लिए जाता था. बोथ पार्क थ्रू द लंदन स्ट्रीम चलते थे. इन लंदन पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट, लोग इसे कठिन पाते थे टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पहचानना. दे गेज्ड, उन्होंने अनुमान लगाया व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज, ये किस प्रकार का जानवर था. पीपल यूज्ड टू आस्क, लोग पूछा करते थे द ऑथर लेखक से इफ इट वाज ए वॉलरस, क्या वॉलरस था और ए बेबी सील और ए स्क्वायर. अदर गेजेज, अन्य अनुमान लगाते थे बर्थ थे ए आ बीवर, बियर कब, लियोपार्ड और इवन ए ब्राउन टोसर. द ऑथर वन सा ए लेबरर, लेखक ने एक प्रश्न श्रमिक को देखा इन सरप्राइज में. ही वाज डिगिंग अ होल, वो एक गड्ढा खोल रहा था इंडस्ट्री गली में. सीइंग द एनिमल को देखकर ही लेट डाउन हिज टूल, उसने यंत्रों को रख दिया एंड ग्रोंड आउट हियर मिस्टर व्हाट इज दिस सपोज टू बी, से क्या कहा जाता था. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द लेसन या होमवर्क डियर स्टूडेंट. I am giving some of the questions which you will try to give their answer. Your question number first will be, when did the author think to have an otter instead of a dog? When did the author think to have an otter? Why did he go to Bursar? वो बरसा क्यों गया ऑटो को लेने के लिए. Why did he go to Bursar? और दूसरा क्वेश्चन है How long did he wait there and why? How long did he wait there and why? These are the two questions and also try to write some of the questions from this lesson. That's all for this video. Thank you.